मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाके फुलाम चौराह नस्त विश्व शांति कॉलेज 5-7 बजे शाम रब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप देख रहे परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताखीर हो जाने पर कोई तकसीर व गुनाह नहीं, तकसीर तो महज हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। आगाज से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इम्तिहानी मराकिस पर ऑब्जर्वर की गलती या चूक, तलबा को इम्तिहान तहरीर करने के लिए 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का वक्त। तलबा का एहतजाज, मुस्तकबिल से खिलवाड़ का इल्जाम, प्रिंसिपल ने मसले को हल करने का दिया तयक्कुल। दुनिया भर से हुज्जाज पहुंचे बैतुल्ला, जिले के 300 से ज्यादा हुज्जाज ने हासिल की उम्रे की सादत, रूह परवर समा। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। दो हिंदू बहनों की अपने बच्चों के साथ खुदकशी की कोशिश, 3 मुस्लिम नौजवानों ने बचाई हिंदू बहनों की जान, हमारी तहसील। बोधन असमत रेसी मामले के खिलाफ आर्मूर जमीतुल उलमा का एहतजाज, खाती को फांसी की सजा का मुतालिफा, पुलिस ओहदेदार को पेश किया तहरीरी मेमोरेंडम। अब खबरें तफसील से। गरीबों के हमदर्द रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, बाजी रेड्डी जगन की मेहरबानियों के हम बहुत मशहूर हैं। कलीगोट गांव के एक मुसीबत ज़दा खानदान का बयान। रूरल हलके के जकरानपल्ली मंडल के कलीगोट गांव के एक नौजवान की बाइक हादसे में अदालत पर रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने दरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन के हमरा इलाज के लिए सरकारी तौर पर 2 लाख मंजूर कराते हुए इस नौजवान के घर 2 लाख का मंजूर शुदा LOC लेटर रवाना किया। नौजवान को हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में बगैर से इलाज मुंतकिल करवाया। इस मौके पर नौजवान संदीप के खानदान वालों ने बताया कि बाजी रेड्डी खानदान की जानिब से हमारे लड़के को इलाज के लिए अपनी जाती तौर से इमदाद, निम्स में दाखिल करवाना, तीमारदारी कराना संदीप को एक नई जिंदगी देने के बराबर है, जिसके हम हमारा खानदान एमएलए साहब ZPTC जगन के बहुत मशहूर है। इम्तिहानी मरकज पर ऑब्जर्वर की चूक या लापरवाही, डिग्री के तलबा सिर्फ 1.5 घंटे में इम्तिहान तहरीर करने पर मशहूर। तलबा का बोधन डिग्री कॉलेज के रूबरू धरना। डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी ओहदेदारों से बात करते हुए गलती दुरुस्त करने और मसले का हल कर तलबा को दिलाया इत्मीनान। बोधन के डिग्री कॉलेज में डिग्री इम्तिहान लिखने वाले तलबा ने आज मल्टीमीडिया का इम्तिहान लिखा और इम्तिहानी तलबा सिर्फ 1.5 घंटे में ही इम्तिहानी मरकज के बाहर निकलकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। तलबा ने मीडिया को बताया कि मल्टीमीडिया इम्तिहान तहरीर करने के लिए तलबा को सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का ही वक्त दिया गया, जबकि इम्तिहान का मुकर्रर वक्त 3 घंटे। इस तरह तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया गया, जबकि दीगर तमाम इम्तिहानी मराकिस पर इम्तिहान तहरीर करने वाले तलबा को मुकम्मल 3 घंटे का वक्त दिया गया। इत्तला पर बोधन के कुछ सियासी कायदीन व जुम्मेदारान भी कॉलेज पहुंच गए।
और इस बारे में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन प्रिंसिपल से बातचीत की, जिस पर प्रिंसिपल ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वर को एक मैसेज मौसूल हुआ जिसमें तलबा को सिर्फ 1.5 घंटा वक्त दिए जाने की यूनिवर्सिटी से हिदायत दी गई थी। ये मैसेज 9 बजे के करीब मिला। फिर कुछ देर बाद एक और मैसेज में तलबा को 3 घंटा इम्तिहान की मोहलत देने की हिदायत दी गई, लेकिन कुछ देर बाद मिलने वाले मैसेज को ऑब्जर्वर नहीं देखा, जिसके चलते सिर्फ 1.5 घंटे बाद तलबा से पेपर लेते हुए उन्हें इम्तिहानी मरकज से बाहर कर दिया गया। ये गलती सरजद यूनिवर्सिटी के अहदेदारों से बात करते हुए मसले का हल करने का तयखुन दिया। तलबा एहतजाज करते हुए कॉलेज के बाहर मौजूद थे। पूरे बोधन में सब कॉलेजेस जो डिग्री कॉलेज है उसमें 3 आवर्स एग्जाम था, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सिर्फ 1.5 आवर एग्जाम लिखे, और हम लोग से पेपर भी छीन लिए ये लोग। और हमारे एक ही डिमांड है, सब लोग को पास करना, सब लोग, और हम लोग फिर से एग्जाम नहीं लिखते मल्टीमीडिया। हम लोग डिग्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, हम लोग को सेंटर ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में था, तो हम लोग को आज मल्टीमीडिया एग्जाम 3 आवर्स था, तो ये कॉलेज वाले ने हम लोग से 1.5 आवर एग्जाम लिखा है और पेपर छीन लिए। और हम लोग ने पूछा कि 3 आवर्स एग्जाम है, आप 1.5 आवर एग्जाम कैसे लिखा दे, तो उन लोग ने बोला कि पेपर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हमको वो हमारा मसला नहीं है, वो आपका है। तो हम लोग आके फिर हम लोग पूरे स्टूडेंट इकट्ठा होके हम लोग कॉलेज मैनेजमेंट को जो है राहुल सर उनसे पूछे, तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को कि आपका गलती फर्स्ट मैसेज जो है उनको यूनिवर्सिटी से आया था कि 1.5 आवर, तो उन लोग ने देखा, और जो सेकंड मैसेज आया 1.5 आवर नहीं 3 आवर्स, तो उन लोग ने नहीं देखा, और हम लोग से जो पेपर है वो लोग छीन लिए थे, ले लिए थे पेपर, 1.5 आवर हो गया बोल के ले लिए पेपर। और हम लोग अभी आके यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरे आके राहुल सर से पूछ रहे थे, वो बोल रहे कि एक लेटर दे दो हमें, हम यूनिवर्सिटी जाके आके हम सबमिट करेंगे, तो हम लोग को कोई भी मतलब भरोसा नहीं है, हमें पूरे बच्चे जितने भी है यहाँ पे पूरे पास होना, अगर एक भी फेल हुए तो हम लोग को बोधन बंद कर दे और हम लोग और एक बार एग्जाम नहीं लिखते। डिग्री कलाशाल बोधन लो यूनिवर्सिटी तेलंगाना यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कोई దాంట్లో బీకామ్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి ఈరోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి ఎగ్జామ్ ప్రారంభమైంది. దాంట్లో 3 గంటల పేపర్ ఉందనేసి అది 3 గంటలు కొనసాగిస్తున్న సమయంలో యూనివర్సిటీ అబ్జర్వర్ మేడం గారికి 9.5 ప్రాంతంలో ఒక మెసేజ్ రావడం జరిగింది. దాంట్లో పేపర్కి సంబంధించిన సమయానికి ఇన్ఫర్మేషన్ 1:30 అని 3 గంటలు కాదని అందులో మెసేజ్లో ఉండడం జరిగింది. సో దాని ఆధారంగా ఇక్కడ మా కాలేజీలో చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ ఉన్నటువంటి రావు సారు మిగతా స్టాఫ్ అందరికీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం జరిగింది. సో దానివల్ల అది 1:30 అని దానికి ఎగ్జామ్కి 1:30 పంపించడం జరిగింది. కానీ మేడం గారికి తర్వాత మరొక మెసేజ్ వచ్చింది, ఆ మెసేజ్ మేడం గారు చూసుకోలేదు అబ్జర్వర్ మేడం గారు. దానివల్ల ఎగ్జామ్ 1:30 విద్యార్థులకు పంపించడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి మనకు విద్యార్థుల నుంచి తర్వాత కళాశాల తర్వాత యూనియన్ నుంచి వచ్చినటువంటి లోకల్ వాళ్ళ యొక్క రిప్రజెంటేషన్స్ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాల ఆధారంగా తప్పకుండా జరిగిన విద్యార్థులు జరిగిన అన్యాయానికి యూనివర్సిటీ వారికి ఈ విషయాన్ని మొత్తం విశదీకరించి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఏదో రకంగా దీనికి మంచి పరిష్కారాన్ని తీసుకొచ్చి విద్యార్థులకు ఎలాంటి అన్యాయం జరగకుండా పూర్తి న్యాయం జరిగేటట్టుగా మేము ఖచ్చితంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. దీనికి సంబంధించి అలాంటి ప్రయత్నం మా నుంచి జరుగుతుంది. ముదిరాజ్ తఫేకి తౌహీన్ ధమ్కీ పర్ ఎమ్మెల్సీ కౌశిక్ రెడ్డి బినా మష్రూత్ మాఫీ మాంగే, వర్నా సీఎం కేసీఆర్ కో ఇస్కా ఖుమియాసా భుగతనా పడేగా. रियासती मुदिराज महासभा कमेटी जिला कमेटी का एहतजाज, रास्ता रोको धरना। मुदिराज तफे पर बेजा मनमानी अल्फाज इस्तेमाल किए जाने पर मुदिराज तफा संगम की जानिब से एमएलसी कौशिक रेड्डी पर पुरजोर मजम्मत हुई। एमएलसी कौशिक रेड्डी को उनके ओहदे से बर्तरफ कर एक्शन लिए जाने का मुदिराज तफे ने सीएम केसीआर से मुतालबा किया। निजामाबाद धरना चौक के पास मुदिराज महासभा मुदिराज एम्प्लॉयज एंड प्रोफेशनल्स की क्यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाज अमल में लाते हुए रास्ता रोको धरना मुनज्जम किया गया। इस मौके पर सीएम केसीआर और कौशिक रेड्डी के अलामती पुतले को नजरे आतिश किया गया। इस मौके पर तेलंगाना मुदिराज महासभा जिला सदर वाई नरसिंह मुदिराज ने बात करते हुए बताया कि इस महीने की 22 तारीख को हुजूराबाद हल्के के म्यूनिसिपल अहदेदारों की जानिब से शहीदों के मुजस्मे को मुनहदिम किए जाने के मौके पर एमएलसी कौशिक रेड्डी को एक खातून ने कठिन सवालों पर मसाइल की एक सुई में बीआरएस हुकूमत की नाकामियों पर एक यूट्यूब चैनल रिपोर्टर मुदिराज की जानिब से
रिकॉर्डिंग पर कौशिक रेड्डी ने यूट्यूब रिपोर्टर पर नासिबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कैमरा खींचकर इस रिपोर्टर व इनकी जात की तौहीन करते हुए धमकी दी। इस मौके पर मोतीराज तबके के लोगों ने सीएम केसीआर से मुतालबा किया कि कौशिक रेड्डी एमएलसी को उनके ओहदे से बरतरफ करते थे और मोतीराज तबके से माफी मांगने का मुतालबा किया। अगर कौशिक रेड्डी से माफी ना मांगे जाने और बातों से वक्त गुजार की कोशिश पर सीएम केसीआर को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मोतीराज तबके ने सीएम केसीआर को इंतबाह दी। इस प्रोग्राम में तेलंगाना महासभा रियासती सदर के रमेश, शीला श्रीनिवास, एस श्रीनिवास, ए सतीश, पी रंजीत और मोतीराज तबके की कसीर तादाद अवाम मौजूद थी। मुद्रालनु इष्टमच्चिनट्लु बूतु माटलु मात्लाडुता उन्नावु। నీ యొక్క నీ కేసీఆర్ నీ సీఎం కేసీఆర్కు కుక్క లెక్క పడి ఉండు, మా ముద్రాల జోలికొస్తే ఖబర్దార్ నా కొడుకుల్లారా. మలిదశ ఉద్యమ తొలి అమరుడు పోలీస్ కిషన్ ముద్రాజ్ గారికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈరోజు మేము రోడ్డుపైకి రావడానికి కారణం కుక్క కేసీఆర్ పెంపుడు కుక్క ఎమ్మెల్సీ కౌశిక్ రెడ్డి ముద్రాజులను అసభ్య పదజలంతో దూషిస్తూ ఒక అజయ్ ముద్రాజ్ అయినటువంటి విఎస్ఆర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ జర్నలిస్టును వీడియోగ్రాఫర్ని అమరవీరుల స్తూపం ఎప్పుడు ఈటల రాజేందర్ గారు హయాంలో జరిగిన అమరవీరుల స్తూపాన్ని కూల్చినందుకు ఒక మహిళ ప్రశ్నించిందంట. ప్రభుత్వము అన్ని రకాలు విఫలమైంది, ప్రభుత్వం ఏమి హామీ నెరవేర్చని ప్రశ్నిస్తే దాన్ని అజయ్ ముద్రాజ్ విఎస్ఆర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పైన వీడియో తీస్తే దాన్ని లాక్కొని मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कभी भी कहीं कोई ब्रादराने वतन मुसीबत में हो तो दूसरा बिना सोचे कि वो किस मजहब का है अपनी परवाह के बगैर मदद के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला जंगमपेट तालाब पर। शोहरों की हिरासानी से तंग आकर जब दो हिंदू बहनें निकिता अक्षयानी अपने बच्चों के साथ खुदकशी के लिए तालाब में छलांग लगाती तो शाहरुख हैदर गौस ने अपनी जान पर खेलकर इनको बचा लिया। ये है हमारी तहसीब और हमारी तालीम, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। लोग सहारनपुर से गोशाराम जा रहे थे, ऑटो लेने को जा रहे थे, मिस्त्रियाँ हैं चार, छोड़ने के लिए जा रहा था। रस्ते में देखिए यहाँ से चारों पाँचों कूद गए, कूद के तो हम लोग क्या कह रहे थे अपना कूद के, बल्कि ऑटो वहाँ से पलटा के ले जाके रोक के तुरंत तीनों हम लोग जाके चारों को निकाले। चारों में दो औरतें थे, साल की बच्ची थी और एक 3 साल का बच्चा था। बच्चा है बोल रहे वो हमको नहीं दिखा, चारों दिखे थे, चारों को निकाल लिए। पेट में आया बच्चा, मेरा नाम सैयद गौस है, शेख हैदर नहर नगर। बोधन में कमसिन नाबालिग गरीब लड़की की आबरू रेसी करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए, जमीयतुल उलमा आरमूर का मुतालिबा। पुलिस ओहदेदारान को पेश किया गया मेमोरेंडम। आरमूर जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप शाह आरमूर के वफद सदर जमीयतुल उलमा हाफिज शेख इब्राहिम की क्यादत में आरमूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव एक तहरीरी याददाश्त पेश। इस मौके पर जमीयतुल उलमा नायब सदर उस्मान अली हजरमी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बोधन के शकरनगर में मासूम लड़की के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसकी आरमूर जमीयतुल उलमा सख्ती के साथ मजम्मत करती है और इस वाकये का हुकूमत से मुतालिबा करती है कि खाती को सख्त से सख्त सजा दे, इस रविंदर नामी दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात पेश न आए। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज शेख इब्राहिम ने कहा कि जिस लड़की के साथ ज्यादती का दिलखराश वाकया पेश आया इस बच्ची को मुफ्त तालीम का इंतजाम किया जाए और इनके अहले खाना को डबल बेडरूम और इनके अफराद खानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजमत दी जाए। इस मौके पर सदर शेख इब्राहिम, नायब सदर उस्मान अली हजरमी, खासिम यूसुफ, मुफ्ती कली, मौलाना इसहाक, नायब मोतमद हाफिज काशिफ, शेख हबीब, मोहम्मद रिजवान सलीम, मोहम्मद अबू बकर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आर्मोर ए सी पी ऑफिस पर और जमीयत उलमा आर्मोर की जानिब से हमारे सदर नाज़िम इब्राहिम साहब की क़यादत में बोधन में जो एक नाखुशगवार वाक़िया हुआ है जो नाबालिग बच्ची की इज्जत लूटी गई है उसके बारे में एहतजाजी
मेमोरेंडम पेश करने के लिए एसीपी साहब के पास एक जमीयत उलमा का वफद हाजिर हुआ है और हमारा जमीयत उलमा आर्मी की जानिब से पुरजोर मुतालबा है कि खाती को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उसके कैफे किरदार तक पहुँचाए जाए। इस साल जिला भर से तकरीबन 300 से ज़ायद आज़मीन हज मुकद्दस सफर हज के लिए मुल्क से रवाना हुए और सऊदी अरब मक्के मुकर्रमा पहुंच चुके और खुशनसीब हुज्जाज इकराम ने उमरे की सआदत हासिल की। जिला निजामाबाद से 380 से ज़ायद खुशनसीब आज़मीन हज सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का में मौजूद। 380 खुशनसीब आज़मीन हज ने उमरे की अदायगी कर ली। बास ने तो 3-5 उम्रा अदा किए। आज़मीन हज के रिश्तेदारों ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि आज़मीन हज वहां पुरसुकून अंदाज में इबादतों में मसरूफ है। हज कमेटी की जानिब से सहूलत बख्श इंतजाम किए गए। वाज़ेह रहे कि साल 2020 और 2021 के दौरान कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद हज के लिए मुल्क से कोई रवाना नहीं हुए थे। गुज़िश्ता साल सिर्फ निज़ामाबाद से 128 मर्द व ख़वातीन हज के लिए रवाना हुए थे और इस साल 380 से ज़ायद खुशनसीब अफराद हज के लिए रवाना हुए। जिला निज़ामाबाद से हज के लिए रवाना होने वाले आज़मीन हज से मुल्क व अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की जाती है। रियासती महिला फाइनेंस कमीशन चेयरपर्सन आकुला ललिता ने शहर के मुख्तलिफ कायदीन के घर पहुंचकर उनके खानदान को पुरसा दिया। रियासती महिला फाइनेंस चेयरपर्सन आकुला ललिता ने बीआरएस साबिका जिला सदर ई गंगा रेड्डी की वालिदा के मौत पर उनके घर पहुंचकर उनकी वालिदा की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज खिदत पेश करते हुए ई गंगा रेड्डी के खानदान को पुरसा दिया। इसी तरह विनायक नगर के बीआरएस कायद एस रवि चंद्र की वालिदा की मौत पर उनके घर पहुंचकर वुमेन्स कमीशन मेंबर लक्ष्मी रवि चंद्र को पुरसा दिया। इस मौके पर इनके हमरा साबिका मेयर आकुला सुजाता बी निर्मला आकुला कविता दीगर भी मौजूद थे। देही इलाकों में जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेखार किया जा रहा। बिना दस्तावेजात के बाइकों कारों गाड़ियों को सीज किया गया। कोई मशकूक अजनबी दिखाई देने पर पुलिस को इतला देने मुदल सीआई विनोद कुमार का बयान। निर्मल जिला एसपी प्रवीण कुमार के हुक्म के मुताबिक भैंसा शहर में एएसपी सुभाष पाटिल की क्यादत में लुकेश्वरम मंडल के नगर गांव में पुलिस कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेखार अमल में लाया गया, जिसमें गांव में होने वाले जराइम की रोकथाम के लिए कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्रामों का इनेखार अमल में लाया जा रहा है। मुधल सीआई विनोद कुमार ने ये बात बताई। बिना कागजात दस्तावेजात के 77 बाइकों 3 ऑटो 4 दीगर गाड़ियों को सीज किया गया है। सीआई विनोद कुमार ने अवाम को आगाह करते हुए बताया कि गांव में कोई भी अजनबी शख्स या मशकूक अफराद दिखाई देने पर हमको इतला देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में लुकेश्वरम एसआई साई कुमार बासर एसआई महेश तानूर एसआई विक्रम अमला भी मौजूद था। जिला एसपी गारी आदेशाल मेरे मरियु बैंसा एएसपी गारु श्री कांतिलाल पाटिल आईपीएस गारी आध्वर्यंलో ముదల్ సర్కిల్ లోని లోకేశ్వరం మండలంలోని నగర్ విలేజ్ లోపల ఈరోజు కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడం జరిగింది। దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం గ్రామంలో ఎవరైనా సరే అనుమానిత వ్యక్తులు ఉన్నారా అంతేకాకుండా ప్రాపర్టీ అఫెండర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా మరియు గతంలో చోటు చేసుకున్న సంఘటన దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ గ్రామంలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ నందు మొత్తం 77 టూ వీలర్స్ 4 కార్లు 3 ఆటోలను సరైన పత్రాలు లేని కారణంగా వీటిని స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది। ఇందుకు సంబంధించిన పత్రాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఫర్దర్గా లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది। मुल्क वजीर आजम मोदी के दौरे हुकूमत में तरक्की पर चल रहा मुफ्त स्कीमों से देश की माशी हालत खराब होने का अंदेशा है। एमपीडी अरविंद का बयान। आरमोर मंडल के अंकापुर गांव में जी राज रेड्डी की जानिब से ओल्ड एज होम के फाउंडर की खिदमात को लेकर एमपीडी अरविंद ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने ओल्ड एज होम पहुँच कर ट्रस्टी राज रेड्डी
और इसमें रहने वाले बेसहारा जईफों की हमरा ताम किया और बूढ़े जईफों के हमरा मीटिंग मुनाकिद कर दी। ट्रस्टी राजरेड्डी की खिदमत की सराहना की, बताया कि एक मिसाली खिदमत है। इसके बाद एमपी अरविंद ने मोदी हुकूमत की खिदमत तरक्याती प्रोग्रामों को इन 9 साल खिदमत को जईफों के सामने तफसीली बयान किया। इन 9 साल खिदमत पर लिखी गई तस्नीफ को फाउंडर ट्रस्टी राजरेड्डी को तोहफा दिया। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन पी गंगा रेड्डी, के गंगाधर, दीगर भी मौजूद थे। भारत देश अभिवृद्धि पेंचाला అందుకనే 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర చరిత్రలో 65 సంవత్సరాలు ఏ రకమైన అభివృద్ధి జరిగింది, గత 9 సంవత్సరాలు ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందిందో అది చెప్పడానికి మేమందరం తిరుగుతున్నాం. ఇవాళ అందులో భాగంగానే మీ దగ్గరికి వచ్చాం. ఈ డిపాజిట్లు బ్యాంకులలో పడ్డప్పుడు బిజినెస్ చేస్తున్నారు, మీరు పెద్ద బిజినెస్ వాళ్ళే, మీ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బిజినెస్ లోన్స్ కూడా మీరు కొంచెం ఆలోచన చేయండి. 2014 కంటే ముందు ఎంత ఉండనో, డిమానిటైజేషన్ తర్వాత ఎంత ఉండనో, 13.5%, 14% బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి, 9.5% 10 శాతానికి తగ్గించారు. కాబట్టి బిజినెస్లు పెరిగినాయి, ఎక్స్పాన్షన్లు పెరిగినాయి, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగినాయి, దేశంలో అభివృద్ధి పరుగులెత్తింది. ఇమ్తిహానీ మరాకిస్ పర్ ఆబ్జర్వర్ కి గల్తీ యా చూక్ తల్బా కో ఇమ్తిహాన్ తహరీర్ కర్నే కే లియే 3 ఘంటే కే బజాయ్ 1.5 ఘంటే కా వక్త్ తల్బా కా ఎహతిజాజ్ ముస్తక్బిల్ సే ఖిల్వాడ్ కర్ సా ప్రిన్సిపల్ నే మస్లే కో హల్ కర్నే కా దియా తయాఖుద్. दुनिया भर से हुज्जाज पहुंचे बैतुल्ला, जिले के 300 से ज्यादा हुज्जाज ने हासिल की उमरे की सागर, रूह परवर समा। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। दो हिंदू बहनों की अपने बच्चों के साथ खुदकशी की कोशिश, 3 मुस्लिम नौजवानों ने बचाई हिंदू बहनों की जान, हमारी तहसील। बोधन असमत रेसी मामले के खिलाफ आर्मूर जमीतुल उलमा का एहतजाज, खाती को फांसी की सजा का मुतालिफा, पुलिस ओहदेदार को पेश किया तहरीरी मेमोरेंडम। तो ये थी खबरों की तफसील, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात हुई। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।